आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा का गोलाघाट दौरा जिले के लिए ऐतिहासिक दिन में तब्दील हो गया। जिलावासियों की दीर्घकालीन लंबित मांगों को पूरा कर किए जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा ने गोलाघाट जिले में विभिन्न हिस्सों में प्राय 1600 करोड़ रुपए की निर्माण होने वाली कई योजनाओं का शुभारंभ व शिलान्यास कर गोलाघाट के विकास को एक नई दिशा दी है। असम सरकार द्वारा उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत गोलाघाट जिले में 14 परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। आज मुख्यमंत्री द्वारा गोलाघाट जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत विभिन्न स्थानों में 1575.39 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण होने वाली विभिन्न विभागों के विकास कार्यों की योजनाओं को औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया। साथ ही साथ असम के मुख्यमंत्री गोलाघाट जिले के खुटमाई अंतर्गत ऐतिहासिक डोहढोला पठार में धान की फसल की कटाई कर रहे स्थानीय किसानों के साथ बातचीत करने के साथ ही परंपरागत तरीके से खेत में बैठकर सभी के साथ दोपहर का भोजन के साथ ही रबाब टेका का आनंद भी लिया। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा का गोलाघाट दौरा जिले के लिए ऐतिहासिक दिन में तब्दील हो गया। जिला वासियों की दीर्घकालीन लंबित मांगों को पूरा किए जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा ने गोलाघाट जिले में विभिन्न हिस्सों में प्राय 1600 करोड़ रुपए के निर्माण होने वाली कई योजनाओं का शुभारंभ व शिलान्यास कर गोलाघाट के विकास को एक नई ऊंचाई देते हुए इतिहास रच दिया। असम के मुख्यमंत्री ने ऐसे बृहद परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए अपने संबोधन में कहा कि 3 से 20 दिसंबर तक असम के 11 जिलों को समाहित कर विकास का एक पखवाड़ा शीर्षक विशेष कार्यक्रम हाथ में लिया गया है। असम से अरुण कुमार जैन के साथ कैमरा पर्सन मुन्ना घटवार, राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के लिए। फिलहाल की खबरें बस इतना ही। ऐसे ही तमाम देश दुनिया की खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।